नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने अंशु बी ट्रैक्टर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, महिंद्रा कंपनी ने 15 अगस्त 2023 को बहुत ही ज़्यादा एडवांस फीचर्स वाली एक नई ओजा सीरीज भारतीय बाजार में लॉन्च की है, जो कि इतने सारे फीचर्स आपको और किसी कंपनी के ट्रैक्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। उसी महिंद्रा ओजा सीरीज के ट्रैक्टर्स में से एक ट्रैक्टर है महिंद्रा ओजा 3140। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपको महिंद्रा ओजा 3140 के फीचर्स और कीमत के बारे में पूरी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें। महिंद्रा ओजा 3140 में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं, जैसे कि इस ट्रैक्टर में आपको एक ऑटो पीटीओ ऑन ऑफ का स्विच देखने को मिलेगा। अगर आप इस स्विच को ऑन मोड में रखेंगे तो उस समय आप ट्रैक्टर को मोड़ेंगे तो पीटीओ अपने आप ही बंद हो जाएगी, और ट्रैक्टर मुड़ जाने के बाद पीटीओ अपने आप ही चालू हो जाएगी, और इसके साथ ही अगर आप ट्रैक्टर को रिवर्स करते हैं तो भी पीटीओ अपने आप ही बंद हो जाएगी। इस फीचर्स की मदद से किसान भाइयों को खेत में स्प्रे करने, बीज बोने और गन्ने की जुताई जैसे कामों को करने में आसानी रहेगी। महिंद्रा ओजा 3140 में ऑटो इम्प्लीमेंट लिफ्ट का फीचर भी दिया गया है, जिससे अगर आप हाइड्रोलिक को ऑटो इम्प्लीमेंट लिफ्ट मोड में रखेंगे तो ट्रैक्टर को रिवर्स करने पर अपने आप ट्रैक्टर में जुड़ा हुआ इम्प्लीमेंट ऊपर उठ जाएगा, जिससे आपको बार बार लिफ्ट के ऊपर नीचे नहीं करना होगा। इस ट्रैक्टर में ऑटो वन साइड ब्रेक का फीचर भी देखने को मिलेगा, जिससे आप जब भी ट्रैक्टर को मोड़ रहे होंगे तो जिस तरह आप ट्रैक्टर को मोड़ रहे होंगे तो उस साइड का ब्रेक ट्रैक्टर को आपके मोड़ने के हिसाब से अपने आप ही लगने लगेगा, जिससे आप इस ट्रैक्टर को बहुत ही आसानी से मोड़ पाएंगे। महिंद्रा ओजा 3140 ट्रैक्टर में लाइव लोकेशन ट्रैकिंग का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप ट्रैक्टर की लोकेशन को कहीं से भी ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्राइवर ट्रैक्टर को किसी एक निश्चित एरिया से बाहर लेके ना जाए तो आप इस ट्रैक्टर में जियो फेंस का यूज करके एक एरिया को निश्चित कर सकते हैं, जिससे जैसे ही आपका ट्रैक्टर आपके द्वारा निश्चित एरिया से बाहर जाएगा तो आपके मोबाइल पर तुरंत एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। इस ट्रैक्टर में डीजल मॉनिटरिंग का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप कहीं से भी पता कर सकते हैं कि आपके ट्रैक्टर में कितने लीटर डीजल है। अगर आपके ट्रैक्टर में अचानक ज़्यादा लीटर डीजल कम होता है तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रैक्टर में से डीजल की चोरी हुई है। महिंद्रा ओजा 3140 ट्रैक्टर में आपको फेंडर स्विच टू इम्प्लीमेंट्स का फीचर देखने को मिलता है, जिससे अगर आप ट्रैक्टर में कोई भी इम्प्लीमेंट अकेले जोड़ रहे हैं तो इससे लिफ्ट को ऊपर नीचे करके आसानी से जोड़ सकते हैं। इस ट्रैक्टर में इक्वल लिफ्ट का फीचर देखने को मिलता है, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक क्विक लिफ्टिंग। इस स्विच की मदद से आप एक ही बार में इम्प्लीमेंट को ऊपर उठा सकते हैं और नीचे गिरा सकते हैं, बार बार आपको लिफ्ट लीवर को नहीं छेड़ना होगा। महिंद्रा ओजा 3140 में 3 सिलेंडर वाला 40 हॉर्स पावर का इंजन दिया गया है। इंजन के अधिकतम RPM 2500 है और इंजन अधिकतम 133 Nm का टॉर्क देने में सक्षम है। इस ट्रैक्टर में EPTO का स्विच देखने को मिलता है, जिससे PTO को इस स्विच से ऑन ऑफ किया जा सकता है, और यह ट्रैक्टर अधिकतम 34.8 हॉर्स पावर की PTO पावर देता है। महिंद्रा ओजा 3140 में 12 फॉरवर्ड और 12 रिवर्स शटल गियर दिए गए हैं, और यह ट्रैक्टर कांस्टेंट मैच विद सिंक्रो ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ आता है, जिससे ट्रैक्टर को किसी भी स्पीड में रिवर्स किया जा सकता है। यह ट्रैक्टर केवल 4-व्हील ड्राइव में पावर स्टेयरिंग के साथ आता है, और इसके पिछले टायरों का साइज 12.4x24 है। इस ट्रैक्टर में क्रीपर मोड का फीचर भी देखने को मिलता है, जिससे 0.3 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बीज बोने में मदद मिलती है। महिंद्रा ओजा 3140 में इलेक्ट्रॉनिक पोजीशन कंट्रोल और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर दिया गया है, जो कि लिफ्ट को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी स्मूथ रहता है, और इसकी लिफ्ट कैपेसिटी 950 kg है। अगर इस ट्रैक्टर की कीमत की बात करें तो इसकी शोरूम कीमत लगभग 7,35,000 है। किसान भाइयों, आप ओजा सीरीज के कौन से मॉडल की डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।